5 मिनट तक लगातार ग्रीन सिग्नल रहेगा। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति इस पुश बटन को दबाते हैं तो एक निश्चित अवधि के पश्चात 45 सेकंड के लिए वह सिग्नल रेड हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं देशडी न्यूज। राजधानी पटना के बेली रोड सड़क पर लोगों को सड़क पार करने के लिए एक बड़ी सुविधा जो है वो प्रयोगात्मक तौर पे शुरू की जानी है और इस सिस्टम का नाम है पुश बटन सिस्टम। चूंकि इस रोड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है और ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को इस सड़क को पार करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है, जिसको ध्यान में रख करके बेली रोड पे 3 जगह पे पुश बटन सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है और उसके लिए हड़ताली मोड़ पे भी एक जगह चयनित हो चुका है और जो नगर विकास विभाग के मुख्य प्रधान सचिव हैं वो लगातार तमाम चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आनंद किशोर जी इस तमाम चीज़ों को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उसी के देखरेख में एक जो सिस्टम यहाँ पे अभी हड़ताली मोड़ पे लगाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, फंक्शन के समझने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह लोगों के लिए ये जो है ये प्रक्रिया काम करेगी, क्या उसकी खासियत होगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के वो जो टेक्निकल जो टीम है जो इस पूरे प्रकरण को इस पूरे मामले को वो हैंडल कर रही है और किस तरह ये सिस्टम फंक्शन करेगा और किस तरह लोग इस पुश बटन सिस्टम को दबाएंगे और उसके बाद 20 सेकंड के लिए बेली रोड के दोनों तरफ के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो रेड हो जाएंगे, वाहनों का जो परिचालन है वो बिल्कुल रोक दिया जाएगा और उस 20 सेकंड के दरमियान जो लोग हैं वो हर हाल में सड़क जो है वो पार कर लेंगे और उसके बाद अगले 5 मिनट तक ये बटन जो है वो काम नहीं करेगा ऐसा बताया गया है। लेकिन अभी ये प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है और माना जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले कुछ समय में पटना में 3 जगह पे ये जो सिस्टम है वो सिस्टम लगाया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल इसकी शुरुआत जो है वो हड़ताली मोड़ से की जा रही है और फिलहाल ये इसके पहले चरण में हड़ताली मोड़ से ये सुविधा चालू होगी। हालांकि ये अभी ट्रायल में है, अगले माना जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में इस प्रक्रिया को कभी भी शुरू किया जा सकता है और उसी के निरीक्षण के लिए जो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव हैं वो खुद पहुंचे हुए हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल ये जो सिस्टम है वो बेहद महत्वपूर्ण है और चूंकि ट्रैफिक जो है वो उसको स्मूथ चलाने में इसकी बड़ी अहम भूमिका होगी। तो निश्चित तौर पे ये जो सुविधा है वो प्रयोगात्मक तौर पे शुरू की गई है और जब तक बेली रोड पे 3 अंडरपास नहीं बनेंगे तब तक ये व्यवस्था चालू रहेगी। देखिए अभी जो कुछ माह पूर्व व्यवस्था शुरू की गई थी बेली रोड पर नेहरू पथ पर ट्रैफिक के सुचारू संचालन हेतु, इस संबंध में सगुना मोड़ से लेकर इनकम टैक्स चौराहा तक प्रायः सभी जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल हटाए जा चुके हैं। एक जगह गोला रोड का बाकी था उसको हटाने का निर्देश दिया गया था। तो सगुना मोड़ से लेकर इनकम टैक्स चौराहे तक सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को बारी बारी से जो बंद किया गया है, इसके कारण जहां एक और व्हीकुलर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक अर्थात गाड़ियों के आवागमन में जहां सुविधा हुई है और अब कहीं पर भी गाड़ियों का जाम इस स्ट्रेच में नहीं लगता है, जबकि पूर्व में कई जगहों पर गाड़ियों की जाम लग जाया करती थी और उसके कारण व्हीकुलर मूवमेंट में असुविधा हुआ करती थी, किंतु इस सिस्टम के लागू होने के पश्चात यह देखा गया कि पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक अर्थात पैदल पार करने वाले यात्रियों के लिए उनको सड़क पार करने में असुविधा हुई और पैदल पथ के माध्यम से सड़क पार करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज यह नई व्यवस्था शुरू की गई है पुश बटन सिस्टम की। इस पुश बटन सिस्टम में अलग अलग साइकिल्स बनाए गए हैं और उन साइकिल्स के माध्यम से यहाँ पर मास्टर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है और उसके माध्यम से ट्रैफिक का रेगुलेशन किया जाएगा। इसमें अभी प्रारंभिक तौर पर जो हड़ताली मोड़ पर जो साइकिल बनाया गया उसके अनुसार 5 मिनट तक लगातार ग्रीन सिग्नल रहेगा। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति इस पुश बटन को दबाते हैं तो एक निश्चित अवधि के पश्चात 45 सेकंड के लिए वह सिग्नल रेड हो जाएगा और उसके पश्चात
एक सर्टेन अवधि तक यदि 5 मिनट के अंदर कोई दूसरे व्यक्ति पुनः दबाते हैं तो भी 5 मिनट तक वह सिग्नल ग्रीन नहीं, रेड नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज व्हीकुलर मूवमेंट बार बार रुकता रहेगा। इसके लिए पुनः एक निश्चित अंतराल न्यूनतम 5 मिनट के बाद ही फिर दबाने पर सिग्नल फिर से पेडेस्ट्रियंस के लिए हरा होगा और व्हीकल्स के लिए रेड होगा। अर्थात जब पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होगा उस समय पेडेस्ट्रियन के लिए सिग्नल ग्रीन सिग्नल होगा और गाड़ियों के लिए सिग्नल रेड सिग्नल हो जाएगा, और दूसरी ओर जब व्हीकुलर मूवमेंट थ्रू रहेगा तो गाड़ियों के लिए ग्रीन सिग्नल रहेगा और पेडेस्ट्रियन के लिए रेड सिग्नल रहेगा। अभी इस व्यवस्था को चूँकि आज पहली बार पटना में जो शुरुआत की गई है तो अभी टाइमिंग को प्रायोगिक तौर पर एडजस्ट किया जा रहा है। आज जैसे यहाँ पर जो अभी शुरू में 30 सेकंड का टाइमिंग जो लगाया गया था उसको अभी तुरंत चेंज करके 45 सेकंड करने का निर्देश दिया गया है। तो अगले 2-3 दिनों के अंदर इस पूरे व्यवस्था को पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स और अलग अलग समय के अंतराल पर इसको स्टडी किया जाएगा। हमारे ट्रैफिक के पदाधिकारी और अन्य लोग हमारे यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस समय पर क्या लोड रहता है पेडेस्ट्रियन मूवमेंट का और व्हीकुलर मूवमेंट का, उसके अनुसार से इस टाइमिंग को आने वाले 2-3 दिन समय में फिर एडजस्ट भी किया जाएगा। यह व्यवस्था अभी वर्तमान में यहाँ पर बेली हड़ताली मोड़ के पश्चात के पास, पुनाईचक के पास और चिड़ियाखाने के पास 3 जगहों पर आज प्रारंभ की जा रही है, और आने वाले समय में इसकी सफलता को देखते हुए या इसके जो भी परिणाम इसके होंगे उसको देखते हुए इसको अन्य जगहों पर भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। किंतु इतना अवश्य है कि इस व्यवस्था से पैदल सड़क पार करने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी और भविष्य में इनमें से कुछ स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना है और फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से यात्रियों के पार करने की सुविधा होगी। तत्काल यह व्यवस्था उसी समय तक लागू रहेगी जब तक ये फुट ओवर ब्रिज नहीं बन जाते हैं, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज बनने के पश्चात वह परमानेंट व्यवस्था लोगों के पार करने के लिए रहेगी। इसीलिए अगले कुछ महीनों तक जब तक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं होता है तब तक के लिए यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके साथ ही आज यह भी निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर एक बड़े डिस्प्ले हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से इन सारे इंस्ट्रक्शंस को, चूँकि यह बिल्कुल नई चीज़ है, इस प्रकार की सुविधा विकसित देशों में या अन्य देशों में इस प्रकार की सुविधा देखी जाती है कि वहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति गाड़ी पार करने के लिए के क्रम में यदि पैदल जाने के लिए यदि रोकना चाहते हैं व्हीकुलर मूवमेंट को तो पुश बटन के माध्यम से लोग गाड़ी को रोक सकते हैं। तो चूंकि अन्य देशों में यह व्यवस्था यहाँ के लिए व्यवस्था नहीं है तो पूरे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस को लगाने का निर्देश दिया गया है और पूरे इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आम लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी और जागरूकता फैलाकर लोगों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जाएगा। आज से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई। अभी यह तीनों सिस्टम आज से प्रारंभ कर दिए जाएंगे और इसके बाद इसका 2-3 दिन तक टाइमिंग का स्टडी किया जाएगा कि कितने समय तक रेड लाइट होना चाहिए, कितने समय तक ग्रीन लाइट होना चाहिए और क्या इसकी साइकिल होनी चाहिए। अलग अलग स्थानों पर पैदल यात्रियों का लोड भी अलग अलग होता है तो पैदल यात्रियों के दबाव और समय के चक्र के साथ साथ टाइम साइकिल के साथ साथ भी अलग अलग पेडेस्ट्रियंस का ट्रैफिक का दबाव होता है, वो सब को देखते हुए इसको रेगुलेट किया जाएगा ताकि लोगों को पैदल पार करने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा हो सके।